तो वैभव चाहिए लेकिन स्वतंत्रता के साथ समझौता करके नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग कहते हैं कि भारत जिस कारण भारत है वो सुरक्षित रहे, उसका प्रभाव बढ़ता रहे और हमको परम वैभव का विजेत्री जन संहताकारी शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षण परम वैभव ने तुम एत स्वराष्ट्रम समर्था। हमारी संगठित कार्य शक्ति किस लिए है? उस धर्म का संरक्षण जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं सर्वत्र, उसका संरक्षण करते हुए भारतवर्ष की सर्वांगीण उन्नति, इसके लिए हमारी संगठित शक्ति काम आने वाली है। इसके लिए हमारे स्वयंसेवक जो रोज शाखा में साधना करते हैं गुणों को प्राप्त करने की, वो काम आने वाली है। भारत का धर्म क्या है? भारत का धर्म बड़ा विशेष है, दुनिया में और कोई ऐसा नहीं। दुनिया में आप अगर कहेंगे आपका धर्म क्या है तो लोग अपनी पूजा बताएंगे, भारत का व्यक्ति पूजा नहीं बताता। भारत का व्यक्ति बड़े सरल शब्दों में कहता हमारा धर्म क्या है, पर ही तो सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। अरे व्यक्ति पूजा के क्या है, पूजा पूजा कौन सी करना तुम्हारे धर्म में? भारत के व्यक्ति कहता है कि जाति रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन दिखी थी। क्यों? क्योंकि भारत का धर्म जिस बात पर आधारित है वो भारत का अध्यात्म है, और वो अध्यात्म ये बताता है कि दुनिया में ये जो सब अलग अलग दिखता है, मनुष्यों में भाषा प्रांत जब मानते हैं तब जाति उपजाति धर्म यानी पूजा ये सब अलग अलग है, और हम प्रत्येक व्यक्ति हम एक दूसरे को अलग देख रहे। आपका नाश्ता हुआ, मेरा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, आपका हुआ इसलिए मेरा हुआ ऐसा नहीं है। मुझे अलग करना पड़ता है, आपको अलग करना पड़ता है, ये सब अलग देखते हैं। हम जीवन का है, ये बिल्डिंग निर्जीव है, हम मनुष्य है, उधर पेड़ है, कोई घास में कीड़ा मिल जाएगा एक आधा कुछ नहीं, ये सब अलग अलग है, अलग अलग तरह से जीते हैं, अलग अलग इनके तरीके हैं। बाहर की दृष्टि से हमने उसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया है उनके अलग अलग गट है, जीनस है, क्लास है, फैमिलीज है, ऐसा चलता है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।